हमारा रनिंग का प्योर इज मेटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारा रनिंग का, उसमें हमने सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है। ये लास्ट हमने टेक्निक सारी, इससे लास्ट हमने क्या देखा था, क्रिस्टलाइजेशन देखा था ना, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ये हमने लास्ट देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंपोनेंट को प्योरीफाई करने के लिए या तो उसे सेपरेट करने के लिए, कोई मिक्सचर हो उसे सेपरेट करने के लिए हम ये सारी टेक्निक का मिक्सचर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो सारी अलग अलग टेक्निक देखी अभी सेपरेशन की लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसमें से कोई 2-3 या तो सारी या तो ऐसे आप कोई भी रिएक्शन को आप प्रोसेसेस को एक साथ करके भी उसे सेपरेट कर सकते हो। ऐसा एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर, क्या दिया है, प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर। तो वॉटर का प्योरिफिकेशन जो रिजर्वर में से हमारे घर पे म्यूनिसिपालिटी का जो वॉटर आता है वो पहले क्या होता है, प्योरीफाई होता है, क्या होता है, प्योरीफाई, क्योंकि जहां पे उसे रिजर्वर में से मिलेगा वहां से वो प्योर वर्ल्ड वॉटर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे वो लोग प्योरीफाई करेंगे, फिर हमारे घर तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग आपको यहाँ पे फिगर दिया, क्या दिया है यहाँ पे आपको, एक पेज नंबर 24 पे सबसे ऊपर यहाँ पे फिगर दिया है, वो है प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर, वॉटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वॉटर वर्क्स, वॉटर वर्क फर्स्ट मतलब रिजर्वर से म्यूनिसिपालिटी हमारे घर तक जो वॉटर पहुंचाती है उसे प्योरीफाई करने का सिस्टम, ठीक है, उसे बोलते हैं वॉटर वर्क्स, ठीक है। तो आप फिगर में देखते जाओ, मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले है रिजर्वेशन में वैसे मतलब जहां से पानी आएगा, उसके बाद है सेडिमेंटेशन टैंक, क्या है सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन क्या है ये हमने आगे देखा था, सेडिमेंटेशन क्या है ये हमने आगे देखा था, ठीक है। जैसे कि सस्पेंशन में होता है थोड़ी देर के लिए उसे अनडिस्टर्ब रखो तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, लिक्विड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो वॉटर को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब एक टैंक में भर के रखेंगे, ठीक है, अनडिस्टर्ब एक टैंक में भर के रखेंगे तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट था, जो इम्प्योरिटी सॉलिड थी, वो सारी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ऊपर मिलेगा हमें वॉटर, ठीक है। उसे फिर दूसरे टैंक में लेके जाते हैं जिसे बोलते हैं लोडिंग टैंक, ठीक है, दूसरे टैंक में लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है, दूसरे टैंक में लेके जाते हैं उसमें होता है कि अगर पहले सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ था कि जो सॉलिड उसमें था, इम्प्योर मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में था वो सारा नीचे बह गया और ऊपर बचा सिर्फ लिक्विड वॉटर, ठीक है। पर लोडिंग टैंक में क्या होता है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना होता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब कि जो वॉटर में डिजोल्व इम्प्योरिटीज है वो, उसे क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो वॉटर में जो डिजोल्व फॉर्म में इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उसे लोडिंग टैंक में जाकर उसे भी अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो जो पिघली हुई उसमें डिजोल्व इम्प्योरिटीज थी ना, वो भी नीचे नीचे टैंक में नीचे बैठनी जाएगी, टैंक में वॉटर में सेटल होती जाएगी, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, वॉटर मिलेगा, ठीक है। वो वॉटर को फिर लेके जाते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या किया होता है पता है, थोड़ा एक लेयर बना लिया है, सबसे पहले नीचे लेयर में रखा होता है कोवर्स ग्रेवर्स, कोवर्स ग्रेवर्स मतलब कि बड़े बड़े पत्थर क्लीन, ठीक है, जो क्लीन हुए होते हैं मिट्टी वाले नहीं, ठीक है, कोवर्स ग्रेवर मतलब कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रेवल, ग्रेवल मतलब कि उससे छोटे छोटे पत्थर जो एकदम छोटे छोटे होते हैं वो, उसके बाद बोलते हैं फाइन सैंड, मिट्टी लगाई होती है, उसके बाद ऊपर क्या रखा होता है, मिट्टी, सबसे पहले बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद मिट्टी का लेयर किया होता है, ठीक है। फिर लोडिंग टैंक में से वॉटर जब ये फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा तो ऊपर सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, सैंड का, हमने जो मिट्टी का लेयर किया है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा कचरा उसमें नीचे बैठता जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा कचरा सैंड में क्या होगा, फिल्टर होता जाएगा, उसके बाद वो ग्रेवल में वॉटर जाएगा वहां से फिल्टर होगा, उसके बाद कोर्स ग्रेवल में जाएगा वहां से फिल्टर होगा, तो ऐसे फिल्टर होके फिर एक टैंक में वॉटर जाएगा, तो जो कचरा है वो उसमें एक बार सेंड ग्रेवल से कोर्स ग्रेवल से फिल्टर होता जाएगा, और वॉटर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, एक टैंक में जहाँ पे उसका करते हैं क्लोरीनेशन, क्या करेंगे उसका, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या है ये सबको पता है, हमें पता होगा कि सबको पता होगा कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि वॉटर में क्लोरीन की टेबलेट्स डाली होती है, वॉटर में क्लोरीन की क्या डाली होती है,
निकल गई, बट फिल्ट्रेशन के बाद वॉटर में जो जर्म्स बचे होंगे ना, वो ये क्लोरीन की वजह से वो सारे जर्म्स भी मर जाएंगे, ठीक है, और वो क्लीन वॉटर हो जाएगा जो हमें घर पे मिलेगा, ठीक है। तो ये सेव स्टेप वाइज, पहला सेडिमेंटेशन, ठीक है, दूसरा लोडिंग, तीसरा फिल्ट्रेशन और फिर क्लोरिनेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस करके हमारे घर पे क्लीन वॉटर आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लीनिंग वर्क और प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो वो बर्न होता है, जबकि सोडियम अकेला होगा तो वो बर्न होगा, ठीक है। क्लोरीन केसेस में
नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस।
बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का ऐसा फॉर्म है कि जो अब केमिकल कोई भी रिएक्शन करो केमिकल या फिजिकल वो अगेन ब्रेक डाउन नहीं होगा। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे बेसिक फॉर्म मैटर, ठीक है, वो क्या है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का अगर आप ब्रेक डाउन करो तो सिर्फ आपको उसके एटम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे एटम्स, कोई नया कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एटम को तो अब हम ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता। हाँ, वो केमिकल रिएक्शन करता है बट वो ब्रेक डाउन नहीं होता, वो ब्रेक डाउन नहीं होता। जैसे कि हम लोहे का रोड ले, आयरन रोड ले, तो आयरन है वो एक एलिमेंट है, लोहा है वो एलिमेंट है, क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, उसको आप फिजिकली उसको तोड़ सकते हो, ठीक है, उसे गर्म करके हथौड़ा मार के उसे आप तोड़ सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, पर वो रहेगा तो लोहा ही ना रहेगा, तो लोहा मतलब कि वो ऐसे ब्रेक डाउन होता है बट लोहे में से कुछ नया नहीं बन जाएगा। ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे बट वो लहेगा तो आयरन ही, ठीक है, उसमें से कोई नया नहीं बने। तो हम केमिकली या तो फिजिकली उसे टुकड़े कर सकते हैं बट केमिकली उसके में कोई चेंज नहीं ला सकते। ऐसे बेसिक फॉर्म को क्या बोलेंगे हम एलिमेंट। अब एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। एलिमेंट कैसे होते हैं, तीन तरीके के मेटल्स एलिमेंट में आएंगे, तीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल। एलिमेंट में आएगा मेटल्स, फिर आएगा नॉन मेटल्स और तीसरा आएगा मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल, मेटल कौन सी होती है, मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टीज में लिखवा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ, तो आपको प्रॉपर्टीज साथ में लिखनी है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट से लिखो मेटल, तो एक होते टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, मैंने आपको एलिमेंट का सब डेफिनेशन लिखवाया, उसमें लिखो एलिमेंट में पहला मेटल, मेटल की लिखो, मेटल में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसकी पहली प्रॉपर्टी लिखो, दे हैव अ लस्टर, दे हैव अ लस्टर, लस्टर मीन्स LUSTRE, इसे क्या पढ़ते हैं लस्टर, दे हैव अ लस्टर, लस्टर मतलब कि मेटल से जो ऊपर का सरफेस होता है ना वो शाइनी होता है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर। ठीक है, लोहे, अगर आप लोहे का रोड देखो तो ऊपर आपको रेड कलर का दिखेगा क्योंकि ऊपर उसमें रस्ट लगा हुआ है, अगर वो रस्ट निकाल दो ना तो वो सिल्वर जैसा शाइनी मिलेगा। ठीक है, तो मेटल से लस्टर मतलब कि उसका सरफेस कितना कैसा होता है, शाइनी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे हैव सिल्वरी ग्रे, ग्रे दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। सारी मेटल को आप देखो तो दो कलर में आपको दिखे, या तो सिल्वरी ग्रे होगा सिल्वर जैसा और लोहे जैसा, या तो वो गोल्डन के गोल्ड के जैसा येलो गोल्ड होगा, जैसे कि कॉपर है वो है गोल्ड के जैसे, या थोड़ा सा बहुत चेंज होता है बट वो क्या मिलेगी आपको गोल्ड के जैसे येलो कलर की मिलेगी। ठीक है, और आपको जो आयरन है वो सिल्वर जैसा मिलेगा, सिल्वर और गोल्ड भी मेटल ही है। ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा, या तो सिल्वरी ग्रे और या तो येलो गोल्ड। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोहे का टुकड़ा आपके पास है, एक रोड है, एक तरफ से गर्म करो दूसरी तरफ से पकड़ के रखो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हीट है वो दूसरी तरफ पे गई है, लोहे का रोड पूरा गर्म होता जाए। ठीक है, तो वो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है, तो हीट कंडक्ट हुई। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आपको आपने देखा होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, स्विच बोर्ड में से स्विच ऑन करो वो लाइट फेड, या तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फेड, या तो बल्ब या तो ट्यूबलाइट तक पहुंचती है, तो उसमें जो वायर यूज होता है वो कॉपर का होता है। ऐसे सारी मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या है, कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रोन इन टू वायर्स, दे आर डक्टाइल, डी यू सी टी
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं कॉपर के, वो वायर होते हैं ना, वायर का पूरा टुकड़ा होता है नहीं, तो उसे आप खींच के क्या कर सकते हो, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल एम ए डबल एल ई ए बी एल ई, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आप उसमें थोड़ा मार मार के उसकी शीट बना सकते हो। ठीक है, कॉपर के बर्तन बनते हैं तो कॉपर का पूरा टुकड़ा होगा, उसे थोड़ा मार मार के ऐसा बर्तन जैसा पतला बनाया होगा, तो मेलिएबल मतलब कि उसे हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर मार मार के उसे आप एक थिन शीट्स में पतरे के जैसा बना सकते हो। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी, दे आर सोनोरस। सोनोरस एस ओ एम ओ आर ओ यू एस, सोनोरस। सोनोरस मतलब कि वो गिरेगी तो एक वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी। लोहे का रोड जब नीचे गिरता है तो आवाज आती है ना, कॉपर का बर्तन गिरता है तो आवाज आती है, तो ये मेटल से वो क्या है, वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है, आवाज देती है। तैयार सोनोरस। ये सारी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसका एग्जांपल अगर लिखना हो तो सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सारी क्या है उसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया? ठीक है, और सारी मेटल्स क्या होती है सॉलिड फॉर्म में, एक ही एक्सेप्शन है मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारी मेटल्स कौन से फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म। मर्क्यूरी एक ही है जो लिक्विड में होता है। और मर्क्यूरी क्या है आपको पता है, थर्मोमीटर में आप अलग नीचे येलो कलर का लिक्विड देखते हो, जो अगर आप गोल बॉटल में रखो तो वो येलो कलर का लिक्विड ऊपर चढ़ता है, वो मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी एक ही मेटल है जो लिक्विड में है, बाकी सारी मेटल सॉलिड में है। अब हम दूसरा लिखो नॉन मेटल्स। दूसरा लिखो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल के सबसे ओपोजिट। मेटल के सबसे ओपोजिट, ना ही वो सोनोरस है, ना ही वो डक्टाइल है, ना ही वो मेलिएबल है, ना ही वो लस्ट्रस है। ठीक है, ये सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला लिखो, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। उसमें कलर अलग अलग होते हैं, जैसे कि मेटल में हमने देखा था कि वो सिल्वरी ग्रे या तो गोल्डन येलो होता है, बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी लिखी, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, उसमें अलग अलग कलर के हमें नॉन मेटल्स मिल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी या तो कंडक्ट ही नहीं करते और करते हैं तो बहुत कम। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाती। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दे आर नॉट लस्ट्रस। दे आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस का स्पेलिंग एल यू एस टी आर ओ यू एस। दे आर नॉट लस्ट्रस। सोनोरस और मेलिएबल एंड डक्टाइल, वो लस्ट्रस भी नहीं है, सोनोरस भी नहीं है, मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। उसके एग्जाम्पल गैसेस आप ले लो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड में आयोडीन, कार्बन, ये सारे क्या है उसके एग्जाम्पल से नॉन मेटल्स। उसके बाद थर्ड लिखो मेटलॉइड्स। उसके बाद थर्ड लिखो मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में एक सेंटेंस ही लिखना है, प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी है। लिखो मेटलॉइड्स में, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ metals and non-metals, they are called metalloids। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट की तीन टाइप बोले थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो कई ऐसे भी एलिमेंट्स है जो ना ही मेटल की प्रॉपर्टी देते हो, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेटल की होगी और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की होगी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी मेटल की या तो सारी नॉन मेटल की, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी मेटल की होगी, एक दो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। ठीक है, और अब आपकी एक जानकारी के लिए कि अभी हमारे पास एलिमेंट 100 से ज्यादा एलिमेंट है जो जानते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से ज्यादा एलिमेंट से अलग अलग जिसे हमें जिसकी हमें पहचान है। ठीक है, और उसमें से 92 एलिमेंट
ठीक है, मोर देन 100 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 है जो नेचुरली है और उसके अलावा के जो होते हैं वो क्या है, मैन मेड, ठीक है। उसके बाद और मेटल जो एलिमेंट्स हो गया, अब दूसरा देखेंगे हम कंपाउंड्स, दूसरा हम देखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड है वो दो या तीन एलिमेंट का मिक्सचर होता है। कंपाउंड क्या होता है, दो या तीन एलिमेंट का मिक्सचर होता है। जैसे कि Na वो एलिमेंट है सोडियम मेटल और Ca वो भी एलिमेंट है नॉन मेटल, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो मेटल का मिक्सचर या तो दो एलिमेंट दो नॉन मेटल का मिक्सचर, आप मेटल और नॉन मेटल को भी एक साथ कर सकते हो। तो इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। पर ये प्योर फॉर्म में हो, पर ये प्योर फॉर्म में हो तब, ठीक है। मतलब कि NaCl है तो पूरा सब कुछ NaCl ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, प्योर कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसे, प्योर कंपाउंड। उसे NaCl के अलावा और कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे, प्योर कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। NaCl, NaBHClBH, आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा Na2Cl या तो NaCl2, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब कि Na1 है तो Cl1 ही है, ठीक है। सबका अपना अपना प्रोपोर्शन क्या होता है, सभी सब कंपाउंड का फिक्स होता है। कंपाउंड चेंज होगा तो ये प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, जैसे कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो इसमें कॉपर और क्लोराइड, तो इसमें प्रपोर्शन चेंज है। देखो यहाँ पे NaCl एक एक था पर यहाँ पे CuNCl एक एक नहीं है, Cu एक है Cl दो है। तो कंपाउंड चेंज होने से ऐसे प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, बट कोई एक कंपाउंड हो तो उसमें प्रपोर्शन फिक्स हो, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये CuCl2 को कंपाउंड लो तो उसमें सिर्फ CuCl2 ही होना चाहिए और कुछ नहीं, इसे क्या बोलेंगे, प्योर कंपाउंड। अगर सबको समझ में, ठीक है। तो उसके बाद हम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। मिक्सचर मतलब कि दो सब्सटेंसेस का ओनली फिजिकल मिक्सचर, ठीक है, और कंपाउंड मतलब केमिकल मिक्सचर। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल एक एक्टिविटी दी है कि दो ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट के, आपके क्लास के स्टूडेंट के दो ग्रुप बनाए हैं, दोनों ग्रुप को सेम सब्सटेंस दिए है, ठीक है, आयरन फिलिंग एंड सल्फर। दोनों ग्रुप को क्या दिए है, आयरन फिलिंग मतलब आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर दोनों को दिया। एक को बोला है कि सिर्फ आयरन के फिलिंग और सल्फर को ऐसे ही डिश में मिक्स कर दो, और दूसरे को बोला है मिक्स करने के बाद उसे हीट कर दो। तो जो आयरन फिलिंग और पहले ग्रुप को सिर्फ बोला था कि दोनों को ऐसे मिक्स कर दो, तो आपको आयरन का पाउडर और सल्फर दोनों को ऐसे, या फिर जैसे आप सोल्ट और शुगर को ऐसे मिक्स कर देते हो सॉलिड फॉर्म में, वैसे कर दिया, ठीक है। और दूसरे को बोला है कि मिक्स करके उसे गर्म करो, मिक्स करके क्या बोला है, उसे गर्म करो। तो गर्म करने से क्या होगा कि आयरन और सल्फर ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। गर्म नहीं करोगे, जैसे कि ग्रुप वन को गर्म करने को नहीं बोला, तो ऐसे ही करोगे तो वो सिर्फ फिजिकल मिक्सचर होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड ग्रुप टू है वो दोनों को गर्म कर रहा है तो आयरन और सल्फर के बीच में केमिकल रिएक्शन होकर मिक्स हो जाएगा। अब दोनों ग्रुप को मैग्नेट दो, दोनों ग्रुप को क्या करोगे आप, मैग्नेट दो। तो जब ग्रुप वन अपने सब्सटेंस के पास अपने जो उसने मिक्स किया है आयरन और सल्फर को उसके पास मैग्नेट ले जाएगा ना, तो उसमें जो आयरन का पाउडर था वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। बट जब ग्रुप टू उसने मिक्स करके गर्म कर दिया था तो कुछ नया बन गया था, तो ग्रुप टू जब उसके पास आयरन मैग्नेट ले जाएगा ना तब उसमें से आयरन चिपकेगा नहीं, क्योंकि अब आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी है, वो केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। तो मिक्सचर में सिर्फ फिजिकल चेंज होता है और कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है। तो FeH आयन मतलब एक सल्फर S, ठीक है। तो ये जो दोनों को गर्म किया था ग्रुप टू ने, ठीक है, ग्रुप टू ने जब इसे गर्म किया था ना तो उसे आयन सल्फाइड का कंपाउंड नया सा कंपाउंड मिल गया था। जब ग्रुप वन को ये कंपाउंड नहीं मिलता, सिर्फ आयन और सल्फर का पाउडर मिक्स किया हुआ मिलता है, ठीक है।
जैसे आप मिट्टी और सॉल्ट को करते हो वैसे, ठीक है। और ग्रुप टू का गर्म किया था उसको, उसमें फेरस सल्फाइड उसे मिला, Fe-S फेरस सल्फेट उसे नया कंपाउंड मिल गया। तो ये डिफरेंस है, मिक्सर होता है वो फिजिकल होता है और जो कंपाउंड होता है वो केमिकल चेंज होता है। और यहाँ पे आपकी बुक में 26 पेज नंबर पे मिक्सर और कंपाउंड का डिफरेंस दिया है, वो सबको लिखना है। मिक्सर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है वो सबको लिखना है, दोनों के चार चार पॉइंट दिए सब, ठीक है। और ये पेज नंबर 27 पे आपको एक चार्ट दिया है, मेटर में से क्या बन सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर बन सकता है। प्योर सब्सटेंस में दो आएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सर में आएगा होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। तो ये सब कुछ क्या है ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस, ये कंपाउंड और मिक्सर के डिफरेंस और ये चार दोनों लास्ट में बनाना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो ओवर होता है, नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।